तो वही रुझानों में आपको बता दें, लगातार एनडीए बढ़त बना रही है और अभी फिलहाल 290 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। वही इंडो अलायंस 224 सीटों पर है। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र में शिवसेना यूडीपी 7 सीटों पर आगे चल रही है और वाराणसी में पीएम मोदी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। तो आपको बता दें, अभी इंडिया अलायंस जो है वो 223 सीटों पर है, जबकि एनडीए जो है 288 सीटों पर आ चुकी है। तो ये बड़ी बढ़त जो है लगातार एनडीए बना रही है, 288 सीटों के साथ एनडीए आगे चल रही है। वही इंडिया अलायंस जो है 223 सीटों पर आ चुके हैं। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है। राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे चल रही है और अब बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है राजस्थान में। तो राजस्थान में फिर से बीजेपी ने बढ़त बना ली है और 13 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। वही महाराष्ट्र में अमरावती से नवनीत राणा अभी पीछे हो गए हैं, जो कुछ समय पहले तक पहले रुझानों में आगे चल रही थी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के जो आंकड़े आए हैं तो बीजेपी 18 सीटों पर आगे चल रही है। वही उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और बंगाल में टीएमसी 22 सीटों पर आगे चल रही है। तो एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है और 290 सीटों पर एनडीए आगे चल रहे हैं। वही इंडिया अलायंस जो है 222 सीटों पर आ चुकी है। तो आपको बता दें कि बेगूसराय से, बिहार के बेगूसराय से फिलहाल गिरिराज सिंह पीछे हो गए हैं, जो कुछ समय पहले तक बिहार के बेगूसराय से वे बीजेपी से आगे चल रहे थे, पर फिलहाल जो है आंकड़ों के साथ सभी वे पीछे है। वही गाजियाबाद से बीजेपी में बीजेपी के प्रत्याशी अभी आगे चल रहे हैं और मेरठ से बीजेपी के अरुण गोयल आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, मेरठ उत्तर प्रदेश से अरुण गोयल आगे चल रहे हैं और हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं। अगर हम बात करें हैदराबाद की तो असदुद्दीन ओवैसी आगे चल रहे हैं वहां। वही हमीरपुर से अनुराग ठाकुर को बढ़त मिल रही है। हमीरपुर से बीजेपी के अनुराग ठाकुर को बड़ी बढ़त मिल रही है और रुझानों में लगातार एनडीए को बहुमत साबित हो रही है और इस बार फिर से तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के गद्दे पर आने वाले हैं। तो आगे के रुझानों के लिए और आगे के अपडेट के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारी सहयोगी गुंजन जुड़ रही है। जी गुंजन, बताएं। रश्मि, जैसा कि आपने बोला कि अभी जो बीजेपी है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है वो भी कहीं ना कहीं पीछे तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस बार में हम अपने जितने भी फिल्मी सितारों की बात करें तो कुछ ना कुछ अगर हम देखें, जैसे कंगना रनौत है, राज बब्बर है, कुछ ना कुछ सीटों से वो पीछे है। और स्मृति ईरानी की बात करें अमेठी से, तो वो पहले दूसरे राउंड में 3000 वोटों से पीछे थी और अभी देखा है दूसरे राउंड में 3000 वोटों से पीछे थी। और अगर अभी हम फिर से देखें तो वो 14000 वोटों से और पीछे हो गई हैं। तो ऐसे 50-50 का मामला चल रहा है रश्मि। और अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, तो 32 सीटों पर आगे है। वही राहुल गांधी को रायबरेली में बढ़त मिल रही है। इसी के साथ ही गुरुग्राम में कांग्रेस को राज बब्बर आगे है। वही कृष्णनगर से महुआ मोइत्रा भी आगे है रश्मि। सीटों पर आगे चल रही है। वही छिंदवाड़ा में बीजेपी को और बड़ी बढ़त मिल रही है। राजस्थान में कांग्रेस 9 सीटों पर आगे थी, लेकिन अब बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है और रुझानों में कांग्रेस की सेंचुरी हो चुकी है। तो एनडीए गठबंधन जो है वो बहुमत बनाए हुए और 288 सीटों पर आगे है। वही इंडिया अलायंस जो है वो 226 सीटों पर आ चुकी है। तो आपको बता दें, अमरावती से नवनीत राणा जो है वो पीछे रह गई है और नगीना से चंद्रशेखर आजाद आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो है वो आगे चल रहे हैं और बेगूसराय से गिरिराज सिंह जो है वो अब पीछे रह गए हैं। तो लगातार एनडीए बढ़त बना रही है और गाजियाबाद से बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें, नोएडा गाजियाबाद से जो है वो बीजेपी के अतुल गर्ग आगे चल रहे हैं और मेरठ से बीजेपी के अरुण गोयल आगे चल रहे हैं। तो लगातार बढ़त बनाते हुए एनडीए गठबंधन 290 सीटों पर आ गए। वही इंडिया गठबंधन जो है 224 सीटों पर है। तो आगे की और अपडेट्स के लिए हम अपनी सहयोगी गुंजन के पास जाएंगे। गुंजन, बताएं।
टीटू कदम और क्या मुझे लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है, पहले कांटे की टक्कर कह सकते हैं रश्मि। गठबंधन जो है उसे कोई खास टक्कर नहीं मिलेगी, लेकिन अब लग रहा है कि कांटे की टक्कर है, इंडियन एयरलाइंस कांटे की टक्कर दे रही होंगी इसको कह सकते हैं रश्मि। कहीं ना कहीं जैसे राहुल गांधी की छवि जो हमारी नजरों में थी, हाँ मैं नाम नहीं लूंगी, पर मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी ने अच्छा कमबैक किया है, तो थोड़ी तो चिंता वाला ये विषय हो जाएगा बीजेपी के लिए रश्मि जी। क्या लगता है उन्होंने जो यात्राएं की, भारत जो यात्रा रही, तो उसका भी कुछ असर पड़ा है कह सकते हैं रश्मि, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं लोगों के दिल में और चीजें दिमाग से हटती नहीं है रश्मि। कुछ चीजें पहले की लोग याद कर लेते हैं, और अगर आप एकदम से काम अच्छा करेंगे तो चीजें एकदम से दिमाग में नहीं फिट बैठ सकती हैं। तो अगर देखा जाए चेहरा, अगर चेहरे की बात करें तो नरेंद्र मोदी का चेहरा कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में है, पर अगर वही हम फिर कहूंगी कि जो कमबैक की बात करें तो राहुल गांधी ने कमबैक बहुत ही जबरदस्त किया है जी। धन्यवाद गुंजन। तो जैसा कि हम देख रहे हैं आंकड़ों को, और हमने अपनी सहयोगी से भी बात की, तो कांग्रेस जो है वो कांटे की टक्कर दे रही है, और काफी हर जगह कई सीटों पे कांग्रेस और इंडिया लाइन जो है वो बढ़त बना रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई सीटों पे, जैसे कि कन्नौज, मैनपुरी, इन सभी जगहों पे जो है अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं, डिंपल यादव आगे चल रही है, लेकिन फिर भी जो है बहुमत की अगर बात करते हैं तो एनडीए जो है वो बहुमत के साथ अभी भी 290 सीट पर बरकरार है, वहीं इंडिया अलायंस जो है 223 सीटों पर है। अगर हम बात करें अमरावती के अन्य सीटों की, महाराष्ट्र की, तो वहां भी नवनीत राणा पीछे चल रही है, लेकिन मंडी से कंगना राणा जो है वो आगे चल रही है। तो तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और प्रजातंत्र टीवी देखते